एलवीएस न्यूज टीवी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दी हदायतों तो बाद सूबे विच पशु च फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम लई पशु पालन विभाग वालों टीकाकरण मुहिम तेज कर दी गई है। हुण तक करीब 1.16 लाख पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दसना चाहते हैं कि सूबे चलाई जा रही टीकाकरण मुहिम बारे जानकारी देंदे पशु पालन विभाग के प्रमुख सकत्र विकास प्रताप ने दसिया कि विभाग नूं पशुओं विच लंपी स्किन बीमारी लई सरकार वल्लों प्रवानित वैक्सीन दीआं लगभग 2.34 लाख खुराकां प्राप्त होईआं हन। दस दईए कि जो पहलां ही पंजाब भर के सारे जिलिआं नूं भेजीआं जा चुकीआं हन। इस तों इलावा विभाग के टीकाकरण मुहिम लई इलाज अते होर समान की खरीद लई वख-वख जिलिआं नूं 76 लाख रुपए जारी कर दिते गए हन। उन्हें दसिया कि फील्ड तो पहला मुढ़लियां रिपोर्टां अनुसार बीमारी स्थिर हो गई है, हालांकि कुछ दिनों विच स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्हें अगे दसदिया कहा कि लंपी स्किन बीमारी पशुओं ते मज्जां दी एक वायरल बीमारी है जो मक्खियों ते मच्छरों के नाल नाल खेत मजदूरों अते प्रभावित पशुओं राही मकैनिकल ट्रांसमिशन जरिए फैलती है। बीमारी की पछाण 2-3 दिन लई हल्के बुखार अते चमड़ी दे तफड़ होण नाल हुंदी है। प्रभावित जानवर आम तौर पर 2-3 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाते हैं तां जो इस बीमारी नूं अगे फैलण तों रोकिया जा सके। दसना बनता है कि लंपी स्किन बीमारी अमरीका महाद्वीप तों शुरू हुई सी अते इस साल के शुरू विच इस बीमारी ने गुजरात अते राजस्थान नूं बुरी तरह प्रभावित किया है। तुसी देख रहे हो एलवीएस न्यूज़ टीवी, मैं मनप्रीत कौर लुधियाना।